नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने को लेकर 57 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। लेटर में कहा गया है कि आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल कर चुनावी प्रचार के लिए किया है। उनके जरिए गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से CUET UG 2022 परीक्षा के परिणाम आज जारी कर दिए गए हैं। इसमें लगभग 20,000 उम्मीदवारों ने 30 विषयों में 100% अंक हासिल किए हैं। लद्दाख के लेह से 179 किलोमीटर उत्तर में तड़के करीब 4:19 पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने यह जानकारी दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में अस्थाई भर्ती मामले में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने आज आप विधायक अमानतुल्ला खान को दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। अमानतुल्ला खान दिल्ली के ओखला विधानसभा से विधायक हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक महिला से 6.5 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें नागालैंड के 3 और एक नाइजीरियाई का नागरिक है। CBI ने शिक्षक भर्ती घोटाला केस में गुरुवार को बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याण में गांगुली को गिरफ्तार किया है। CBI के एक अधिकारी ने बताया कि आज गांगुली को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की अहम बैठक होगी। इस दौरान SCO के सुधार और विस्तार, रीजनल सिक्योरिटी, सहयोग, कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने हेल्थ इश्यू के चलते जस्टिस वर्ल्ड टूर के तहत दिल्ली में होने वाले शो को रद्द कर दिया है। प्रोग्राम को प्रमोट करने वाले बुक माई शो ने यह जानकारी दी है। तो देश विदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।